हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा, अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एआर विकास वर्मा में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आर्किटेक्ट का स्टूडेंट हूं और मैं आर्किटेक्ट के डिज़ाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एआर विकास वर्मा में अपलोड करता हूं। इससे हमारे टेक्निकल जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हमारे जो भाई बहन हैं जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको बहुत ही इसमें यूज़फुल होंगी और बहुत ही लाभदायक होंगी, जो आपको इसमें मददगार साबित होंगी। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी मेरे पास, तो बहुत दिनों के बाद मैं दो दिन चार पाँच दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों से सॉरी, ठीक है। चलिए, फिलहाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गोथिक अक्षर और अक्षर, ठीक है, टाइप इसके होंगे, ठीक है, इसके टाइप होंगे और ये गोथिक अक्षर बताने वाला हूँ। गोथिक अक्षर फर्स्ट सेमेस्टर में जीपी होता है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आर्ट, जो फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के छात्रों में डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट पॉलिटेक्निक के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये जीपी सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको गोथिक अक्षर और टाइप ऑफ लेटर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये समथिंग, ये 30 से 35 नंबर के आते हैं, जबकि जो ये जो पेपर होता है आपका 125 नंबर का होता है, तो कम से कम ये सिर्फ अक्षर, ये अक्षर बहुत ही अक्षर 30 से 35 अंक के आते हैं और ये अक्षर जो खाली टाइप ऑफ लेटर्स हैं ये 10 से 15 नंबर के आते हैं। मापनी वगैरह आती है, व्यूज़ वगैरह आते हैं, जो मैंने आपको व्यूज़ बता दिए हैं, जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने आपको बता के रखे हैं, ठीक है। स्केल वगैरह कैसे ली जाती है किसी भी एरिया का, मैंने ये सब वीडियो मैंने YouTube चैनल पे बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी के लिए मैं, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके मेरे YouTube की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं, या BR के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये चीज़, ठीक, गोथिक अक्षर, टाइप ऑफ लेटर्स, GPA, ठीक है। ये चीज़ सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देनी होगी, ठीक है। चलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ लेटर्स, मतलब कि टाइप ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो मैं एक दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में एक बुक थी GPA की, मैंने आपको साथ इसके बारे में डिस्कस भी किया था, एक बार देख लीजिए, ये इसकी बुक है GPA की, ठीक है, ये GPA की बुक है, इसी में बहुत चीज़ें हैं जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप जब तक आर्किटेक्ट की तैयारी करेंगे, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट करेंगे या इसके बाद BR करेंगे, सबके लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं ये। इसमें बहुत कुछ बेसिक चीज़ें इसके अंदर हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ लेटर, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स दिए गए हैं। आरेखन में मुख्यतः अक्षरण को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक घाती अक्षरों के द्वारा, द्विघाती अक्षरों के द्वारा। चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि एक घाती अक्षर कैसे क्या होते हैं, कैसे क्या उनका सिस्टम होता है, ठीक है, यह अक्षरण का सबसे आसान तरीका है, तथा भारतीय मानक संस्थान ने अभियांत्रिकी आरेखन में एक घाती अक्षरण की अनुशंसा की है। एक घाती अक्षरण का अर्थ यह नहीं कि एक बार कलम रख के अक्षर पूरा करने के बाद ही उठाई जाती है, बल्कि एक घाती अक्षरण का मतलब है कि अक्षर की मोटाई कलम के द्वारा एक बार में खींची गई रेखा की मोटाई के बराबर हो, ठीक है। तो समझ रहे होंगे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या है। ये दिया हुआ है एक घाती बड़े अक्षर, ठीक है, तो ये कुछ हमारा एक घाती बड़े अक्षर हैं, देख लीजिए, मतलब कि ये पूरे लाइन में होते हैं और इनके बीच में जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का, एक भी परसेंट झुके नहीं होते हैं, थोड़े बोल्ड होते हैं, देख लीजिए, इस 90 डिग्री का इनके ऊपर एंगल होता है सब में इनके लिए, ठीक है, और ये ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब फैली हुई, अगर फैलाकर आप लिखना सकते हैं, फैली हुई शैली में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चिपकी हुई शैली में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समान शैली में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपको जब आप करेंगे तो आपको बढ़िया तरह समझाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दिखाते हैं एक घाती तिरछे बड़े अक्षर, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अक्षर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में, यहाँ पर सम में, ठीक है, सम में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब मैं ये बताने वाला हूँ इसमें एक घाती तिरछे बड़े अक्षर, आप देख रहे होंगे इनमें और इनमें,
कुछ अंतर है, इनमें क्या था 90 डिग्री का एंगल था और इसमें 75 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक घाती बड़े तिरछे अक्षर होते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होता है ना, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 75 अंश, तो इंडिया इज ग्रेट 75 अंश पे झुका हुआ, पूरा का पूरा वर्ड जो होगा आपका 75 अंश पे झुका ही होगा, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, फैली हुई शैली में आप ऐसे लिख सकते हैं, चिपकी हुई शैली में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समान शैली में लोगों की ये होती है, ठीक है। अब बताते हैं आपको, एक घाती छोटे ऊर्ध्वाधर छोटे अक्षर, मतलब कि यहाँ पे बड़े अक्षर थे बोल्ड थे, तो यहाँ पर छोटे अक्षर होंगे और बोल्ड होंगे, ठीक है। बोल्ड ही हो सकते हैं या कैसे भी आप कर सकते हो, कोई भी डिजाइन कर सकते हो इसमें छोटे अक्षर आप उसी प्रकार, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पास चार लाइनों की कॉपी होती होगी, आपने देखा होगा, तो उसकी बीच लाइन में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से अगर ये लाइन सीखना चाहते हैं तो आप उसी कॉपी का यूज़ करें, उस पर आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो एंगल होता है छोटे अक्षर में लिखे जाते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है सभी अक्षरों में, ठीक है। इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इनमें भी फैली हुई शैली में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चिपकी हुई शैली में ऐसे लिख सकते हैं, समान शैली में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और बताने वाले हैं आपको, एक घाती तिरछे बड़े अक्षर, मतलब कि इन्हीं में, जैसे कि हमने आपको ये बताया था बड़े अक्षर में थे उसके बाद तिरछा कर दिया था, अब ये छोटे अक्षर हैं और यहाँ पर बड़े अक्षर कर दिया, तो उसी प्रकार से अब इसको क्या किया जाए, पूरे 90 डिग्री पर थे अब 75 से झुका दो इनको, तो ये क्या हो जाएंगे, एक घाती तिरछे बड़े अक्षर, ठीक है। उसके बाद एक घाती अंक, यहाँ पर क्या हुआ अपना, ये लेटर्स वगैरह हो गए इंग्लिश के, हिंदी भी कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। एक घाती अंक, अब अंक देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था आपको ये चीज़ें, ठीक है, 75 अंश पे 90 अंश पे, तो ये 90 अंश पे झुके हुए हैं लेटर्स हैं, ठीक है। स्ट्रोक नंबर, ठीक है, तो ये देखिए 75 अंश पे झुके हुए हैं, ठीक है, ये 90 अंश पे झुके हुए हैं, ठीक है, ये 75 अंश पे झुके हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आ जाता है क्वेश्चन में कि अक्षरों का वर्गीकरण एग्जाम्पल सहित करें, ठीक है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से इसका वर्गीकरण करना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा बढ़िया तरीके से कि क्वालिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, देख लीजिए आप, एक घाती अक्षर द्विघाती अक्षर गोथिक, खाली ये एक घाती अक्षर में वर्टिकल कैपिटल लोअर वर्टिकल लाइंड एक्सटेंड कंप्रेशन कंप्रेशस नॉर्मल, और एक द्विघाती अक्षर में सिर्फ लेटर्स और रोमन लेटर्स या ओल्ड इंग्लिश लेटर्स या गोथिक अक्षर ही आते हैं। अब बताते हैं आपको गोथिक अक्षर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैंने एग्जाम दिया था तो गोथिक अक्षर आए थे, तो मैंने इस बढ़िया तरीके से इसको बढ़िया बताया था, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी, तो इसको बढ़िया तरीके से बना के सीख लीजिए कि कैसे क्या बनता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या बनाना है तो आप मेरे इस वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप बढ़िया तरीके से कॉपी निकलवा के आप बढ़िया तरीके से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कुछ मैंने गोथिक अक्षर बनाया है, एक दो बनाया है मात्र, ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये है, ये बनाया है, आपको बढ़िया तरीके से वहाँ डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जैसे कि ए है, ठीक है, देख लीजिए आप, ए देख लीजिए कैसा बना हुआ है, ठीक, बी देख लीजिए कैसा बना हुआ है, ठीक है, यानी कि बी देखो और ये देखो पहले, ठीक है, ये बी है और ये बी है, तो इस प्रकार से आपको मेहनत बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है, जो मैंने बनाया है आप देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कि टाइप ऑफ लेटर, टाइप ऑफ लेटर, ठीक है, टाइप ऑफ लेटर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल गोथिक लेटर्स, ठीक है, ये कम से कम 50 अंक के आते हैं, ये कम से कम आपको 50 अंक के आते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है, 50 अंक की आती है। और कितने जीपे का जो पेपर होता है, ठीक है, या किसी और का भी पेपर होता है वो 175 का होता है, ठीक है, ठीक है, 175 का होता है, और इसमें से आपको मिनिमम आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60 प्लस तो लाने ही लाने हैं एनी हाउ कंडीशन, ठीक है। मेरे में तो उस समय 55 ही थे, लेकिन अब पता नहीं कितने क्या हो गए हों, ठीक है, अब शायद कुछ बढ़ा दिया गया या इससे कम 75 थे 125 ही कर दिए गए हों या इसमें 45 कर दिया, कुछ पता नहीं है अभी भी, ठीक है, लेकिन मेरे समय में जो था मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऐसी इससे ज़्यादा ही लाना है, प्लस ही लाना है आपको, या रखना बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि गोथिक अक्षर और टाइप ऑफ लेटर्स, ठीक है, ये जीपीए में है तो आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में जाकर बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा, आपकी जो भी परेशानी आती है मैं जरूर उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, सेशन
अगर अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट यूट्यूब के कमेंट वीडियो के कमेंट में जाके बढ़िया से कमेंट कर दीजिए, और मेरे टेक्निकल AR विकास वर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मैं एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट हूँ, और मैं जो अगर आपके संपर्क में कोई रिलेटिव है या आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी है जो मकान का नक्शा बनाना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है इस नंबर पे, ठीक है। मैं तुरंत के तुम बढ़िया तरीके से बना के दूंगा। मैंने बहुत लोगों को सेटिस्फाई भी किया है, बहुत लोगों को बना चुका हूँ, 50-60 में प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर कॉल करके बता सकते हैं, ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। चलिए फिर हमसे विदा लेते हैं, नमस्कार, थैंक यू।